नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे झूठ बोले कौवा काटे, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल बेटा, तेरा दांव तो चल गया, क्योंकि मैंने ऐसा महाराज के प्राण बचाने के लिए किया है। अब कोई भी मुझे मेरे किए गए अपराधों का दंड नहीं देने देगा। बाकेलाल, जो कुछ कर रहा है वो आपकी, मेरी एवं पूरे विशालगढ़ की भलाई के लिए कर रहा है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, मुझे तो ये सब कुछ स्वप्न लगता है। बाकेलाल ने अवश्य कोई स्वप्न देखा है। इस बात की सत्यता का क्या प्रमाण है कि बाकेलाल जो कुछ कर रहा है वो सत्य है? सत्य और असत्य का प्रमाण मैं दूंगा। तुम मेरा मतलब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये कमबख्त आखिर आ ही पहुंचा। मेरा नाम तीला सिंह है और मैं बहेलिया हूं। कौ? और ये है मेरा चमत्कारी कौवा कालू। तुम बाकेलाल की बातों की सत्यता का प्रमाण कैसे दोगे? तीला सिंह ने तुरंत अपने कौवे की विशेषता बताई। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये कौवा बड़ा ही अद्भुत है। फिर तो महाराज सबके सिर पर ठोंग मरवाकर देखनी चाहिए। काँ, काँ। तो मैं पिंजरा खोलता हूं। खट, काँ। अब ये झूठ नहीं बोल सकता। बाकेलाल, तुम जो कुछ बोलोगे सच सच बोलोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलोगे। काँ, आ। मेरा नाम बाकेलाल है। मैं महाराज का सलाहकार हूं। मैं महाराज से बहुत प्रेम करता हूं। महाराज के प्राणों को इक्कीसा की तलवार कटमुंडी से खतरा है और प्रजा को चुट्टों से। बचाव का उपाय है 21 तरह के अपराध, इसलिए मैंने यह फल खाकर महाराज एवं प्रजा को बचाने का प्रण किया है। अपराध का फल घोंचू फरेब की झाड़ी पर उगता है। इनकी ये बातें बिल्कुल सत्य है महाराज। अब बाकियों की बारी है। कालू सबके सिरों पर बारी बारी से ठोंग मारेगा। किंतु अरे, बाकी सब कहां गए? रानी भी नहीं है? महाराज, सब लोग सच बोलने के नाम से भाग गए, क्योंकि मुझे छोड़कर से सभी झूठे हैं। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर राज दरबार को छोड़कर चले गए मंत्रियों दरबारियों को पुनः वापस लौटना पड़ा। तीला सिंह, अब तुम इनके सिरों पर कालू से ठोंग मरवाओ, ताकि हमें भी पता चले कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मंत्रियों में सबसे पहले सेनापति। ठोंग, काँ। ओह, सेनापति, तुम जो कुछ भी बोलोगे सच सच बोलोगे। मैं राज्य का सेनापति हूं। मैंने राजा का नमक खाया है। मैं अपने कर्तव्य का पक्का हूं। बड़े से बड़े संकट से टकराने से भी मैं नहीं घबराता। राक्षसों को देखते ही मैं उनके सिर धड़ से जुदा कर देता हूं। युद्ध में मैं सबसे आगे चलता हूं, ताकि अगर किसी के प्राण जाने हैं तो सबसे पहले मेरे जाए। करना मेरा फर्ज है। ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। ठोंग पड़ी प्रबंध मंत्री को। मैं प्रबंध मंत्री हूं। मेरा काम है राज्य में प्रत्येक वस्तु का प्रबंध करना। मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करता हूं। महाराज के लिए रोजाना 50 कट्टे आटे की रोटियां बनती है। मैं चाहूं तो 2 कट्टे आटा अपने घर भिजवा कर बाकी आटे में भूसा मिलवा सकता हूं, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे ऐसे दुष्ट काम करने से रोकती है। महाराज, अब आपकी बारी है। मेरी रानी दुनिया की सबसे अधिक सुंदर स्त्री है। स्वर्ग की अप्सरा भी इसके पांव की जूती के बराबर है। एक पुत्र है जिसका नाम है मोहक सिंह। आजकल वो अपने नानी के घर गया हुआ है। मैं विशालगढ़ का राजा हूं और प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता हूं। ये तो बिल्कुल सत्य है। बहेलिया, तुम और तुम्हारा कौवा तो सचमुच चमत्कारी है। हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। किंतु ये क्या, मेरे कौवे के पंजे की एक उंगली टूटी हुई थी। इसका पंजा तो ठीक है, इसका मतलब ये वो कौवा नहीं है। अब अगर मैंने ये बात राजा को बताई तो राजा मुझे दंड देगा। किंतु मेरा कौवा कैसे बदल गया?
अगर मैंने समय रहते कालू कौवे को मूर्छन जड़ी बूटी सुंगा कर उसे साधारण कौवे से बदल ना दिया होता तो आज वो कमक मेरी पोल खोल देता। इसका मतलब बाकेलाल ने भी जो कुछ कहा वो सत्य है। तब अगर ये सच भी है तो भी अगर ये सच भी है तो भी एक राजा होने के नाते मैं उसे अपराध करने की छूट नहीं दे सकता। और सच पता चलने के बाद हम भी अपने प्राण हम भी आपके प्राणों से नहीं खेल सकते। फिर चोटों का अंत भी तो आवश्यक है। बाकेलाल तुम जाओ, हम इस समस्या का कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। ठीक है महामंत्री जी। महल से बाहर आते ही वो मारा पापड़ वाले को, अब तो मैं सरेआम महाराज के पेट में छुरा भी घोप दूंगा तो भी कोई मुझे दंड नहीं देगा। किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा जब ये काम इक्कीसा चुड़ैल ही करने वाली है। किंतु सबसे पहले अपराध क्या किया जाए? सबसे पहले मैं करूंगा चोरी। चोरी के लिए मुझे चोरों जैसा भेष बनाना होगा। अपने वस्त्रों में घास फूस भी भर लेनी चाहिए ताकि यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मुझ पर लोगों की मार का कोई असर ना हो। घर के सदस्यों को मूर्छित करने के लिए मूर्छन बूटी भी मैंने ले ली है। डराने के लिए तलवार मेरे पास है और अब मैं चोरी चोरी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आज नगर से धर्मचंद मेरा शिकार होगा। लेकिन आपने पहले अपराध से पहले मुझे एक कपाड़ा पढ़ना होगा। एक एकम एक, एक दूने दो, एक तिहाई तीन, एक चौके चार, एक पंजे पांच, एक छीके छह, एक सत्ते सात, एक अठे आठ, एक निमा नौ, एक दसे दस। इस बार मुच्छर नहीं बचेगा। मैं करूंगा एक के बाद एक 21 अपराध। जल्दी से जल्दी जगाऊंगा 21 को। अरे खिड़की तो पहले ही खुली है। अंदर सभी लोग गहरी नींद में है। छोट मोट के खर्राटे। और तिजोरी भी खुली पड़ी है। चल बेटा बाके, जल्दी से तिजोरी का सारा कीमती सामान अपनी गठरी में भर ले। तिजोरी हो गई सफाचट, यानी पहला अपराध सफलता के निकट है। अब यहां से खिसक बाके। ठहरो बाकेलाल, तुम हमारे यहां पहली बार आए हो, थोड़ा जलपान करके जाओ। तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? महामंत्री द्वारा नगर में मुनादी करवा दी गई है कि बाकेलाल एक पवित्र उद्देश्य के लिए 21 अपराध करने निकला है, उसे चोरी में सहयोग दे। जिसका जितना सामान चोरी होगा उसकी भरपाई कर दी जाएगी। इसलिए हमने खिड़की दरवाजे खुले रखे और तिजोरी भी बंद नहीं की, ना ही शोर मचाया। अब तुम्हारे जाने के बाद शोर मचाएंगे, मगर जाने से पहले दही के साथ मूली के पराठे खाकर हमारी मेहमानबाजी कबूल करो। वाह वाह बाके, तेरे कुशाग्र मस्तिष्क का भी जवाब नहीं। क्या योजना बनाई है अपराध से बचने की? इक्कीसा के हाथों तो राजा की मौत में विशालगढ़ की पूरी जनता भी मेरा सहयोग करेगी। फिर बाके तो चला गया, क्या शोर मचाएं? भगवान बाकेलाल को कुछ दूर तो पहुंच जाने दो, क्योंकि चोरी में सहयोग देने की घोषणा तो महामंत्री ने की है, किंतु सेनापति ने राजा की आज्ञा पर बाकेलाल को सहयोग ना देने की मुनादी करवाई है। और जो भी उसे अपराध में सहयोग करेगा उसे दंड दिया जाएगा। बाकेलाल अब दिखाई नहीं पड़ रहा, अब हम शोर मचा सकते हैं। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अब कोई चाहे भले ही शोर मचाए, पहला अपराध करने में मैं सफल हो गया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। ठहरिए बाकेलाल जी, हमें महामंत्री जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि सेनापति अपने सैनिकों के साथ आपको घेरने और हिरासत में लेने की चेष्टा करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन पहले इस धन को ठिकाने लगाना है। निकट ही भूतनी की गुफा है, उस ओर कोई आता जाता नहीं। ये धन हम वहां छिपा देंगे। ओह, तो ये है इक्कीसा चुड़ैल की मूर्ति जो राजा की मृत्यु का कारण बनेगी। इसी के साथ ही इन दोनों को क्या हुआ? ये दोनों तो भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन सरदार इन्हें हुआ क्या? सरदार तो चोरों डाकुओं के होते हैं। हमारी टोली का सरदार
मैं हूं। सरदार, हम 42 से 40 रह गए। हम सेनापति से 2 सैनिक और मांग लेंगे। मूर्ख, तू अपनी जुबान पर नियंत्रण रख छोका। अब अगला अपराध करने से पहले इनके शवों का अंतिम संस्कार करना होगा। तब उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब हम 1 घंटा विश्राम करने के बाद अगला अपराध करने चलेंगे। इस बार हम डालेंगे डाका। डाकुओं का भेष धर लो। बाके के दूर जाते ही आखिर हमारी योजना सफल हो गई। सरदार इक्का, हाँ, हमने अपने सिर पर लटकी बाकेलाल नाम की तलवार को ही अपना अंगरक्षक बना लिया। सैनिकों के भेष में थे धूर्त चुट्टे। इक्कीसा के जगाने की बात बिल्कुल झूठी है। वो तीनों पक्षी मेरे पालतू पक्षी थे जिनकी बातों पर बाकेलाल ने विश्वास कर लिया। दरअसल वो आवाजें उन पक्षियों की नहीं बल्कि ब्रिज के पीछे छिपे खड़े हमारे 2 साथी 11 और 12 की थी, जिन्हें बाकेलाल पक्षियों की आवाजें समझ रहा था। इक्कीसा के नींद जब टूटती है तो उसे खून की प्यास लगती है। भूतनी गुफा के मूर्ति तो मुझे भी नहीं पता कि किसकी है। 21 तरह के अपराध तो हमें करने हैं और उसके बाद जागेगी हरी मौत काई गुला। और अब हम यह अपराध बाकेलाल के संरक्षण में करेंगे। कोई हमें नहीं रोकेगा। सब हमें बाकेलाल का साथी ही समझेंगे और हमें सहयोग करेंगे। किंतु सरदार, हमारे 2 साथियों के मरने का क्या कारण हो सकता है? ये रहस्य अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, किंतु जल्द ही आ जाएगा। अब चुप हो जाओ, क्योंकि बाकेलाल वापस आ रहा है। अरे वाह, तुम सब तो असली डाकू लग रहे हो। हम हैं ही असली, मेरा मतलब ऐसी विशेषता वाले सैनिक। मगर डाकू तो घोड़े पर डाका डालने जाते हैं, इतने सारे घोड़े कहां से आएंगे? घोड़े की चिंता मत करो बाकेलाल जी, वो देखो। तो फिर मैं पढ़ता हूं 2 का पहाड़ा। पहाड़ा पढ़ने के बाद आज हम घोड़ा बाजार से घोड़े ही लूट कर लाएंगे। घोड़ा बाजार में डाकुओं के प्रवेश करते ही खलबली मच गई। डाकू आ गए, ये अवश्य ही चुट्टे होंगे। मैं हूं डाकू बांकेलाल, सारे घोड़े मेरे हवाले कर दो। डाकू बांकेलाल, हाँ जल्दी करो, अन्यथा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। डाकू बांकेलाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए हमारे घोड़े की लगामें, ये तो आराम से दे रहे हैं। कृपया हमारे भी घोड़े ले लें। किंतु तुम्हारे घोड़े कदमे इतने छोटे क्यों हैं? ये अभी बच्चे हैं ना। ओह, तो ये बात है। ये तो गधे की तरह रेख रहा है। ये गंधर्व जाति के घोड़े हैं, जिनकी आवाज बचपन में गधे जैसी होती है। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनकी आवाज में घोड़ापन आने लगता है। आप निश्चिंत होकर इन्हें ले जाएं। तो फिर साथियों, चलो लूट कामयाब रही। चलो, इसी बहाने हमारे खच्चर और गधे भी लग गए, जिन्हें हमने घोड़े के भेष में बदल दिया था। बदले में महामंत्री जी से हम घोड़े की कीमत लेंगे। किंतु आज सेनापति लूट को कामयाब नहीं होने देना चाहता था। पकड़ लो डाकू बाकेलाल और उसके साथियों को। ओह, सेनापति अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहा है। बाकेलाल, ये घुड़सवार कौन है जो डाकू बाकेलाल और सेनापति के दलों के बीच में आ गया है? मेरे रहते सेनापति बाकेलाल के दल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये नकाबपोश घुड़सवार कौन है? नकाबपोश घुड़सवार ने अपनी तीरंदाजी का जौहर दिखाया। साय भिन्न, एक तीर का चलना सेनापति और उसके सैनिकों पर बड़ा भारी पड़ा। भागो, वरना ये मधुमक्खियां काट काट कर हमें सुजा डालेंगी। बाकेलाल का कोई कुछ बिगाड़ेगा तो बिचौली उसे छोड़ेगी नहीं। ये बिचौली कौन है जिसने हमारी सेनापति और उसके सैनिकों से मदद की? छोड़ो उसे, वो जो भी है हमारी मदद ही कर रहा है। करे भी क्यों ना, इस वक्त तो पूरा विशालगढ़ ही मेरी मदद करने के लिए मरा जा रहा होगा, क्योंकि उनकी निगाहों में मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं। इस बार तो मेरी योजना सफल होकर ही रहेगी।
इन घोड़ों को भी हम इसी गुफा के पास छोड़ देंगे। लेकिन एक घोड़े की भेंट इक्कीसा चुड़ैल को देना अनिवार्य है। भेंट स्वीकार करो, ये तो सोच रहा है कि उसके ठीक विपरीत होगा, इक्कीसा नहीं जागेगी, जागेगा कायगुला। लेकिन ये क्या, इन्हें क्या हुआ? ये भी मर गए सरदार। क्या हमारे दो और साथी मर गए? एक ही स्थान पर हमारे चार साथी एक के बाद एक क्यों मर गए? मृत्यु तो कभी भी किसी की भी आ सकती है। शायद इसका समय पूरा हो गया था, किंतु हमें तुरंत अपने अपराध के लिए तैयार होना होगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।